तो वो भी तो रही है मौलाना राकी साहब ना मौलाना शाकी साहब की मतलब हम बेहतरीन और बड़े आलिम है खूब बड़े आलिम है माशाल्लाह यहां तो सब एक से एक बड़े आलिम है और चूंकि बड़ी मस्जिद में है तो बड़ी होंगे सबसे वो भी बड़े हैं और ये तकिया में है इनको भी तकिया मत समझना ये भी बहुत बड़े हैं माशाल्लाह ये भी जामेतुर रजा इतना शानदार इदारा और ऐसी जगह है वो इदारा कभी जाकर के देखना कलेजे पे बर्फ पड़ेगी बर्फ पूरे इलाके में वो लोग थे वो समझ रहे हो हाँ यानी जहां पर आजान नहीं दी जा सकती थी वो उनका कल्चर था ज़ाफ़रानी ताकतें इशारा समझो लेकिन आज देखो वहां पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है माशाल्लाह जामेतुर रजा से फारिग है और भी हमारे तमाम अइम्मा किराम तो कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की छोटे छोटे बच्चे हैं ये इसे सीखने सिकंदरपुर चंदायन गोविंदपुर और तुम्हारे जोगीपुर मंडी किशनलाल सराय जहां जहां से भी हमारे अहबाब आए हैं मैं सबसे कह रहा हूं हसनपुर के बच्चों से सीख लें और हजरत ये बस्ती तो ऐसे जहां पर कम से कम 150 से ज्यादा इस फकीर की तकलीर हो चुकी है 150 से ज्यादा ये वो बस्ती है मेरे साथियों कि कभी तुम्हें वक्त पड़ जाए अगर पसीना मांगोगे तो खून पेश कर दिया जाएगा लेकिन तुम्हारे झगड़ों के लिए नहीं कौम की इज्जत और आबरू के लिए तुम अगर लड़ोगे तो तुम्हें मिलाने की बात करेंगे जहां तक होगा ये हजरत मौलाना तारिक साहब क़िबला हमारे इलाके ही की नहीं हमारे जिला संभल की नाम ना बड़ी शख्सियतों में से है मैं बस्ती का नाम नहीं लेता एक गाँव में झगड़ा दोनों को समझाते रहे और जब समझाते हो तो हैं तो सब अपने भाई को नहीं मानेगा मान गए नमाज भी हो गई है झगड़ा भी खत्म हो गया तो इस काम के लिए कभी जरूरत पड़े या अपनी कौम के स्टेटस के लिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए अरे मैं तो गैर मुस्लिम भाइयों को भी दावत देता हूं आओ हमारे पास आओ करीब आओगे तो शायद हमें समझ लोगे ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं कभी करीब तो आओ मेरे यार इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है अपने इंडिया का नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर है वो इतनी बेहतरीन स्पीच देता है उसकी मैं तकरीर सुन रहा था कमाल कर दिया उसने वो अपनी नॉन मुस्लिम है वो अपनी तकरीर में कहता है साथियों खुदा दो तरह के बना लिए हम लोगों ने अपनी तकरीर में कहता एक तो वो है जो तुमने बनाया है और एक वो है जिसे जिसने तुम्हें बनाया है अपनी तकरीर में कह रहा अब तुम खुद बताओ सही कौन है और गलत कौन है एक नॉन मुस्लिम कह रहा है इसीलिए तो घबरा रहे उलमा को जेलों के अंदर बंद कर रहे हैं कि हमारी पोल खुल गई तो पब्लिक हमसे संभलेगी नहीं मेरे अजीज साथियों हम धर्म परिवर्तन के मामले में रूल के मुताबिक चलना चाहते किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते मुस्लिम माइनॉरिटी जोर जबरदस्ती करती ही कहा है मगर बात वही है गंगा उल्टी बह रही है किसी दिन सीधी भी बहने लगेगी अरे याद रखो तुम्हारा सिर्फ वक्त है हमारा दौर आएगा तुम्हारी आवाज है हमारा शोर आएगा ये कमेटी वालों ने फरमाइश की मंसबत इमाम आली मकाम के लिए तो मैं इनकी बात तो नहीं डाल सकता इनका मेहमान भी हूँ ये सुना दो और बात बहुत लंबी होगी तीन शेर नॉन स्टॉप सुनाऊंगा बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोल दे या हुसैन हुसैनियों की तरह आवाज आना चाहिए बोलिए या हुसैन और दोस्तों ने या हुसैन क्या बताओ ज़बान कांपती है मेरी क्या बताओ ज़बान कांपती है मेरी क्या बताओ ज़बान कांपती है मेरी बचे आन ही आन में पूरा भय लट गया है मेरी